अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। ये तो बहुत नेक विचार है गुरु माता, बहुत नेक विचार है। और कोई इंसान अगर धर्म और सत्य के रास्ते से भटक जाता है तो ये एक बहुत अच्छा तरीका होता है उसे रास्ते पर वापस लाने का। अर्धांगिनी मैं जी जी गुरु माँ, हम कल सवेरे ही सब इंतजाम कर देंगे सत्संग का। आज के समय में अगर कोई एक ऐसी चीज है जो सबको परेशान कर रही है तो वो है ये मोबाइल फोन। दूर रहा करो इससे। और बात जब पूजा पाठ की हो रही है तो हम सोच रहे हैं कि आज से लेके कल तक जब तक सत्संग समाप्त नहीं हो जाता घर में कोई भी व्यक्ति अपने फोन का उपयोग नहीं करेगा। सही कह रहे हैं हम? जो आज्ञा गुरु माता। चलो फिर सब अपना अपना फोन दे दो। अब मैं वत्सा से कैसे बात करूंगा? गुरु मां, ये हमारा फोन। पूर्णिमा जब से गई तब से मैं उसको फोन कर रही हूँ, तभी भी फोन नहीं उठा रहा, तभी भी फोन नहीं उठा रहा। इस पूर्णिमा की बच्ची ने अच्छे से फंसा दिया हमें। लवली लवली को फोन करती हूँ। गुरु माँ, बत्सला जी फोन कर रही है। करने दो, कल वत्सला का सच सबके सामने लाना बहुत जरूरी है। और कल जब सच सामने आ जाएगा बस फिर हमारा कार्य संपन्न हो जाएगा और हम यहां से चले जाएंगे। फिर तुम रहना यहां खुशी खुशी, अपनी गृहस्थी संभालना। पब्लिक को फोन करती हूँ, कहीं कुछ होता नहीं क्या होगा। गुरु माँ, सच कह रहे तो होते अच्छे समय पर आई है। कैसे कि हम उम्मीद ना हारने लगे थे, समझ ही में नहीं आ रहा था कि कैसे क्या करें, कैसे ऐसा लगने लगा था कि पता नहीं हमरा और इनका रिश्ता आज ने कहां पर जाकर खत्म हो जाएगा। बाकी आप आ गए। ऐसा क्यों कह रही हो पूर्णिमा? भगवान सब जानते हैं और तुम्हारे जैसे लोग जो धर्म और सत्य की राह पर चलते हैं उनकी रक्षा तो स्वयं भगवान करते हैं। मुश्किल चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, मदद के लिए किसी ना किसी को भेज ही देते हैं। फोन क्यों नहीं उठा रहे सबके सब? कॉल फोन सब खत्म हो गया, सब बर्बाद हो गया। सोनिका सब बर्बाद।
मैं एक काम करती हूँ, मैं सिद्ध से मिलती हूँ, वहां जाकर बात कर। होश में आओ, इसे ऐसे पागल मत बनो। अभी उधर जाओगे तो सिर्फ तमाशा होगा। प्लीज शांत हो जाओ, भूलो मत पूर्णिमा के पास वो वीडियो। शांत हो जाओ, अभी भी टाइम है। जस्ट थिंक, हम कुछ सोचते हैं, ठंडे दिमाग से सोचो, कुछ प्लान बनाते हैं। ओके, आज आप चाहे जितना सोचना है सोच लीजिए बसला जी, बाकी कल सत्संग वाले दिन आपका पाप सबके सामने जरूर आएगा और कल आपके झूठ की हार होगी और हमारे सच की जीत। सत्संग वाला दिन ना आपका सच सबके सामने दिखाया जाएगा। ए जी, तनी इधर आइए। हाँ बोलो। जब बीबी तैयार हो रही हो और अपने पति को बुलाए ना, तो उसको प्यार से बुलना चाहिए। आप हाँ बोलो ऐसे। अच्छा, हाँ बोलो। एक छोटा सा काम कर दीजिए, वो हम बहुत समय से कोशिश कर रहे हैं, हमारा वो ब्लाउज का हुक नहीं लग पा रहा था, तनी आप लगा दीजिए। आज तो ये बिल्कुल पहले की तरह बात कर रही है। लगाइए ना, आप ही की पत्नी है, इतना सोच कह रहे हैं, लगा दीजिए। ठीक है। सुनिए सुनिए, अब एक बात बताइए, इस साड़ी में आपको कुछ गड़बड़ लग रहा है? अब साड़ी में नहीं तो? नहीं, हमको ठीक नहीं लग रहा है, साड़ी का पलेट ठीक से नहीं बना है आज। पलेट? आई साड़ी वाला पलेट, वो ठीक से आज नहीं बना है। एक काम करिए, आप हमको साड़ी का पलेट बनाने में मदद कीजिए। हम आपकी साड़ी का प्लेट बनाए? हाँ। और आपको लगता है हमको आता ही है? आना चाहिए, कैसे कि आप इतने पढ़े लिखे हैं, इतने बड़े के लेखक निर्देशक हैं, दुनियादारी के छोटे छोटे चीज का भी समझ होना चाहिए ना, यहाँ तक कि बीबी की साड़ी का प्लेट बनाने का भी समझ होना चाहिए। बाकी कोई बात नहीं है, हम है ना, हम आपको सिखा देते हैं। चलिए आपको सिखाते हैं। बताइए। ये देखिए, रुकिए, ये लीजिए, पकड़िए। हाँ, ऐसे ऐसे।
आप कुछ बदली बदली सी लग रही हैं। कुछ हुआ है का? हुआ तो है, साड़ी सही हो गई अमरी, और जब आपका मन चाहा सब कुछ सही हो जाए तो सब अच्छा, मन में खुशी और चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। आप बस ऐसी मुस्कुराते रहे। आज सत्संग में बंसला जी का सच्चाई सबके सामने आ जाएगा और इनका और हमारा रिश्ता पहले जैसा हो जाएगा। देखिए पूर्णिमा सोमवार से शनिवार शाम 6:30 बजे दंगल प्ले ऐप पर।